नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत ही संगीन और बहुत ही घिनौना जुर्म के बारे में और इस गंभीर सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जा सकता है और इसके क्या रूट काउज है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को, आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग श्रद्धा मर्डर केस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को मैं उस मर्डर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि इसका रूट काउज के बारे में बातें करूंगा कि आखिर ऐसा क्या उस इंसान उस ह्यूमन के साइकोलॉजी के साथ होता है जिससे कि ह्यूमन एक किसी इंसान का मर्डर कर सकता है, और आपको कैसे सेफ रहना है ऐसे इंसानों से जो साइको किलर होते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा उस मर्डर केस के विक्टिम्स के बारे में, जिनका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा इज अ यंग एंड वेरी चार्म गर्ल एंड सी वॉज डेटिंग अ बॉय दैट्स नेम इज आफ्ताब पुनेवाला, एंड आफ्ताब पुनेवाला इज अ सीरियल किलर। एंड वन थिंग आई नोटिस्ड हेयर, बोथ आर लिविंग रिलेशनशिप। सो ये इंडियन सोसाइटी में एक क्वेश्चन और उठता है कि इंडियन सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप कहाँ तक सेफ है और क्या इसे फॉलो करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो पे भी इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। का शुरुआत होता है एक लस्ट से, जो है आफ्ताब पुनेवाला का, वे श्रद्धा को लिविंग रिलेशनशिप में रखता है और वे दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, साउथ दिल्ली में। एंड देन साउथ दिल्ली में काफ़ी दिनों तक वे लोग रहते हैं, एंड फिर उनके बीच में झगड़ा होते रहता है अकॉर्डिंग टू हीज और हर फ्रेंड। और देन उसके बाद होने लगता है पैसों के लिए मारामारी, एंड देन जो आफ्ताब रहता है उसकी नज़र उसके पैसे पे रहती है हमेशा। दैट श्रद्धा के अकाउंट में 60,000 एटलीस्ट होता है, सो उसके पैसे पे रहती है। देन दोनों में लड़ाई होने लगता है, और आप जानते हैं कि एक ऐसे साइको किलर का जन्म सबसे पहले नशा से ही होता है। तो जो आफ्ताब पुना वाला रहता है वे नशा करता है, दैट्स ड्रग्स भी लेता है, और साथ साथ गांजे का बीड़ी बना के, जो वेरी पॉपुलर इन दिल्ली, सो वे यूज करता है। सो इस तरह आप देख सकते हैं कि वे मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुका था नशा कर करके, उसे सोचने और समझने की शक्ति नहीं थी। बट वे पागल नहीं था, बट वे कह सकते हैं कि सोच समझ सकता था, पर नशे की हालत में उसने ऐसा किया, कोई आम इंसान बिना नशा के ऐसे कर भी नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है कि नशे को बैन कर देना चाहिए, इनलीगल? आखिर ये कैसे चल रहा, जब प्रशासन इतना एक्टिव है, तो आखिर ये जो टीनेजर हैं वे नशे के हालत में कैसे जा रहे हैं? सो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि नशा को बैन करना चाहिए, लाइक स्मैक, ब्राउन शुगर और ड्रग्स और बियर जितना भी है, और जो साइकोलॉजिकल रूप से इंसान को बीमार करता है? और साथ ही साथ ये मर्डर होता है इसी स्टार्ट में, ऑन देन श्रद्धा बोलती है कि मुझे शादी करना है आफ्ताब से, देन आफ्ताब इजंट रेडी टू मैरी, एंड देन आफ्ताब जस्ट कम टू व्हाट वी से नशा करने के बाद जस्ट आता है घर में, और देन वे मारता है श्रद्धा को, एंड देन श्रद्धा को वे गला मारते हुए गला भी दबा देता है, एंड देन श्रद्धा के छाती पे बैठ के उसे गला दबाने से श्रद्धा की मौत हो जाती है। देन आफ्टर दैट आफ्ताब इज़ वेरी चिल, मींस दैट आफ्ताब वाज वेरी व्हाट वी से दैट वेरी नार्कोटिक पर्सन, नार्कोटिक मूड में रहता है। देन उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किसी की मौत हो गई है, देन वे चिल करता है, टीवी देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, और उसे आइडिया आता है दैट एक नेटफ्लिक्स एपिसोड से, देन वे आरी से श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करता है, देन उसे वाशरूम में ले जाके वाश करता है, देन उसे पीसेस करता है, देन फ्रीज में रखता है। सो सोच सकते हैं फ्रेंड, कितना ज़्यादा वाहियात घिनौना एंड क्रूएल है क्राइम ये, एंड देन उसको धीरे धीरे करके जंगलों में फेंकता है। सो फ्रेंड, कोई ये आम इंसान कर सकता है क्या? तो उसकी क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, जबकि वे एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा हुई है। सो फ्रेंड, क्या प्रॉब्लम है? और श्रद्धा अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके उसे लिविंग रिलेशनशिप में जाती है, तो ये एक तरह का सीख भी है इंडियन सोसाइटी के लिए कि लिविंग रिलेशनशिप इज़ रॉन्ग आइडिया, सो वी शुड फॉलो आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कस्टम्स। सो फ्रेंड, आपको क्या लगता है कि ऐसे मर्डर के पीछे किसी अपराधी की क्या मानसिकता होती है, उसका परवरिश या फिर कह सकते हैं उसकी नर्चरिंग में क्या प्रॉब्लम होती है जिससे वो इस तरह का घिनौना अपराध कर बैठता है?
कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इंडियन सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप होना चाहिए ना होना चाहिए, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या इससे क्या सीख मिल रहा है आपको, क्या हमें ये सब में रहना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप लाइक दैट। सो फ्रेंड, अपने विचारों को कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अंकित फाइव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।